आदर आभार अभिनंदन नमस्कार, मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष BHU B.Ed लैंग्वेज 2019 को कैसे क्रैक किया जाए इसकी जानकारी, इसका सिलेबस पैटर्न और किस किस तरीके से ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है और कौन कौन लोग इसे दे सकते हैं। आपको मैं सबसे पहली बात ये बता दूं कि BHU B.Ed जो है 5 तरह का B.Ed करवाता है। एक है लैंग्वेज, एक है सोशल साइंस, एक है मैथ्स, एक है साइंस और एक है स्पेशल B.Ed। तो उसी कड़ी में सबसे पहला, सबसे ज़्यादा लोग जो है लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहला वीडियो यही लेकर आया है और अभी और भी वीडियोज़ आते रहेंगे, आप देखते रहें। आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें और देखने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक जरूर से शेयर कीजिए। BHU B.Ed लैंग्वेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2019। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप सभी को ये बता देना चाहता हूं, कृपया करके इस चित्र को ध्यान से देखिए जहां लिखा है लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कुड मिस एनी वीडियो इन फ्यूचर। रिगार्ड्स महामना एजुकेशन हब। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं शुरू करता हूँ। आप देखिए BHU B.Ed लैंग्वेज एंट्रेंस 2019। सबसे पहले आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इसको मैं बता देता हूँ। तो इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी ये होगी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए इन हिंदी, संस्कृत या फिर इंग्लिश में से, इंक्लूडिंग शास्त्री। शास्त्री एक सब्जेक्ट होता है जो कि संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान नाम के पाठशाला में, नाम के कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। BHU में ऐसी संस्था है जहां पर शास्त्री की पढ़ाई होती है। तो अगर शास्त्री में भी आप ग्रेजुएट हैं विथ 50% मार्क्स मिनिमम इन ग्रेजुएशन, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन से आगे की भी पढ़ाई कर चुके हैं, मतलब आपने मास्टर्स कर लिया है इन तीनों सब्जेक्ट में से किसी में भी या फिर आचार्य में भी, और उसमें आपके 50% मार्क्स हैं, तो आप BHU B.Ed लैंग्वेज के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। फॉर्म आने पे आप अप्लाई कर सकते हैं, उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद में आप एडमिशन भी ले सकते हैं। वो अवेबिलिटी ऑफ सीट्स की बात करते हैं, कितनी सीट्स हैं इसमें BHU कोर्स में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि किस किस कॉलेजेस में कितनी कितनी सीटें हैं। तो सबसे अच्छी फैकल्टी और सबसे बेस्ट फैकल्टी जो है, इसका नाम है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, जो कि कमाख्या वाराणसी में स्थित है। उसमें 24 सीटें हैं, इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल दोनों को मिला के 24 सीटें हैं बस फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। तो आप समझ सकते हैं कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन काफ़ी टफ होगा और कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ होगा, क्योंकि सिर्फ 24 सीटें हैं। अब अगला है राजीव गांधी साउथ कैंपस, जो कि बरकच्छा में है, और वहाँ पे 12 सीटें हैं सिर्फ, इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल सिर्फ 12 सीट्स आर अवेलेबल इन राजीव गांधी साउथ कैंपस बरकच्छा मिर्ज़ापुर। इसके बाद अंडर पेड सीट फी स्ट्रक्चर, देखिए पेड सीट है और उनमें की कुछ कॉलेजेस हैं, एफिलेटेड कॉलेजेस हैं जहाँ पे एडमिशन मिलता है लोगों को। तो उसमें है बसंता कॉलेज फॉर वीमेन जिसमें कि 12 सीटें हैं राजघाट में, और आर्य महिला PG कॉलेज जिसमें भी 12 सीटें, और ये सिर्फ दोनों कॉलेज जो हैं सिर्फ लड़कियों के लिए हैं, वीमेन के लिए हैं। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में ये कोर्स कर सकते हैं BEd का। अब आप ये देख लीजिए कि इसके लिए, इस एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी काउंसलिंग के टाइम। अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हैं, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, कटअप को क्रॉस कर लेते हैं, तो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। और उसमें क्या क्या मार्कशीट, क्या क्या सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो उसमें है सबसे पहला है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, या ग्रेजुएशन का हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का हो, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट BHU नॉट लेटर देन 90 डेज है ना, तो अदर देन नॉट माइग्रेशन सर्टिफिकेट 90 माने 3 महीने का मैक्सिमम होना चाहिए। इसके बाद हाई स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, क्वालिफाइंग मार्कशीट होनी चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हैं तो, जनरल को छोड़ के अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट का होना अति आवश्यक है। इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बात बता देता हूँ। तो जो नॉर्मल रेगुलर फ़ी है वो है 3,806 रुपये पर ईयर, बहुत कम फ़ी है, बहुत सस्ती पढ़ाई है। और इतना अच्छा BHU का B.Ed माना जाता है कि मैं बताऊँ कि हिंदुस्तान के टॉप इंस्टीट्यूट्स में जहाँ भी B.Ed की पढ़ाई होती है उनमें वन ऑफ द बेस्ट है ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का B.Ed बैचलर ऑफ एजुकेशन, या फिर एजुकेशन फैकल्टी जिसे बोलते हैं। अब एग्जामिनेशन पैटर्न पे आते हैं, आपको समय कितना मिलता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है मुख्य रूप से, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। और इस चीज़ को नहीं जानेंगे आप तो फिर कोई क्राइटेरिया नहीं बना पाएंगे, कोई अपनी स्ट्रेटजी नहीं बना पाएंगे, तो फिर कैसे होगा ये। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल टाइम मिलेगा आपको 150 मिनट, यानी कि 2 घंटे, 2.5 आवर्स वुड बी गिवन टू यू फॉर सॉल्विंग 100 क्वेश्चंस। टोटल मार्क्स होंगे इसमें 300 अंकों की परीक्षा होगी,
100 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे 30 मिनट। नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब कि 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक सही क्वेश्चन का मार्क लूज कर देंगे। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप नेगेटिव मार्क्स को या फिर नेगेटिव क्वेश्चंस को या फिर जो क्वेश्चंस पे आप कंफर्म नहीं हो उस क्वेश्चन को कृपया करके अटेम्प्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपका मार्क्स जाने की संभावना है और इसमें कॉम्पिटिशन बहुत टफ है। इसलिए एक एक मार्क्स, एक एक क्वेश्चन आपके लिए मायने रखता है, तो बी केयरफुल व्हाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। अब है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही होंगे, 100 क्वेश्चंस। अब आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन कब कैसे होगा। देखिए 30 क्वेश्चन और 70 क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किस तरीके से होगा मैं आपको बता दूँ कि 70 क्वेश्चन मिला के किस तरीके से होता है। सबसे पहले 30 MCQ क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, करेंट एजुकेशनल सिनारियो, इन तीनों चीज़ों से मिलकर बने होंगे 30 क्वेश्चंस। उनके कुछ टॉपिक्स हैं और देख लेते हैं हम। जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी आएंगे इसमें। इसके बाद लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस एंड टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल, ये मुख्य रूप से टॉपिक है। मतलब कि आपके टीचिंग एबिलिटी और टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस मुख्य रूप से होंगे, बाकी लॉजिकल और ये सब चीज़ें तो वैसे भी कर लेंगे आप गाइड से, प्रीवियस इसके क्वेश्चन पेपर को लेके इस चीज़ को तैयार कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, उससे भी पढ़ाई करके कर सकते हैं। अपने प्रिपरेशन में कोई भी कसर मत छोड़िएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है ये वन ऑफ द टफेस्ट है BHU के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, क्योंकि सीटें बहुत कम है, पहली बात। दूसरा पोर्शन है इसका 70 क्वेश्चन का, 70 MCQ क्वेश्चंस जो होंगे वो लैंग्वेज से आधारित होंगे, इक्विटेबल आइटम्स फ्रॉम हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। चूंकि ये लैंग्वेज का पेपर है तो आपसे उम्मीद की जाती है, आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों लैंग्वेजेस आपको आने चाहिए, या फिर आचार्य के होंगे तो वैसे ही संस्कृत आती होगी। तो इसमें क्या क्या होगा देख लीजिए आप। मुख्य रूप से टॉपिक्स मैंने प्रीवियस कई सालों के पेपर्स देखे हैं और इनफैक्ट लास्ट ईयर सॉल्व भी किया था, तो हमें पता है कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत के बेसिक ग्रामर आपको आने चाहिए, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो और संस्कृत का हो, तीनों का ही। मतलब हिंदी में बात करें तो संधि, समास, ये सब मुख्य रूप से चीज़ें हैं जो हिंदी और संस्कृत में दोनों में आते हैं, संधि समास। हिंदी में अलंकार जैसी चीज़ें, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब चीज़ें, फिल इन द ब्लैंक्स कुछ होंगे, मुहावरे, लोकोक्तियाँ हो सकती हैं, कुछ वर्ड मीनिंग्स हो सकते हैं संस्कृत के, कोई लकार होंगे, लट लकार, लोट लिट, ये सब होंगे, तो ये सब आने चाहिए आपको। और फिर शब्द रूप जो होते हैं, शब्द रूप भी आने चाहिए, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस कई बारी पूछ लिए जाते हैं। संस्कृत की और बात करूं तो आगे बताता हूं, इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स होंगे, कुछ कॉम्प्रिहेंशन हो सकते हैं, देयर आफ्टर कुछ आपके प्रीपोजिशन से फिल इन द ब्लैंक्स को भरने के लिए दिया जाएगा, और फिर idioms एंड phrases भी हो सकते हैं इंग्लिश के अंदर। तो आप कृपया अपनी इंग्लिश ग्रामर को थोड़ा सा मजबूत करके रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद है फेमस बुक्स एंड ऑथर्स इन ऑल दिस 3 लैंग्वेजेस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश में जितने भी पुस्तकें थोड़ी अच्छी खासी लिखी गई हैं, जैसे विलियम शेक्सपियर हैं जो इंग्लिश के बहुत ही महान ये माने जाते हैं, प्ले राइटर माने जाते हैं, तो उनकी प्लेस और उनके द्वारा कृतियाँ जो है आपको पता होने चाहिए इंग्लिश में, विलियम शेक्सपियर की। अब हिंदी के मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, इन सब लोगों की अच्छी खासी कृतियाँ आपको पता होनी चाहिए। संस्कृत में कालिदास आते हैं या फिर और भी लोग आते हैं बहुत सारे, तो उन सब की कृतियाँ, कौन सी मतलब बुक्स लिखी हैं उन्होंने, तो ये सब सारी चीज़ें कई बार पूछ ली जाती हैं, तो इन सब चीज़ों से आपको अवगत रहना होगा। आपको प्रिपेयर में ये सब प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होंगी। नेक्स्ट है फेमस पोएम्स एंड पोएट्स, इन तीनों भाषाओं में पोएम्स एंड पोएट के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। संस्कृत में एक्सक्लूसिवली जो है श्लोक होते हैं ना, श्लोक, तो श्लोक की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, उसका मतलब, क्योंकि वो फिल इन द ब्लैंक्स कई बार दे दिए जाते हैं। कुछ सूक्तियाँ होती है, शुभाषितानी जैसी चीज़ें हैं, वो आपसे पूछ ली जाती है। जैसे आपका एक मुझे श्लोक याद आ रहा है कि उद्यमे ने ही सिदंती, कार्याणि ने मनोरथ, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, तो ये जो श्लोक है इस तरीके के फिल इन द ब्लैंक्स में आ चुका है कई बारी। तो और भी इस तरीके के सुभाषितानि से या फिर श्लोक से जो फेमस हैं आपने पढ़ी होगी, उसको एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत है, उसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत बारी पूछे जाते हैं इसमें 70 क्वेश्चंस में से। अब है कि करियर इन स्कोप आफ्टर बी एड करने के बाद में आपको क्या क्या जॉब्स मिल सकती हैं, कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है, आपका रोजी रोटी या फिर रोजगार किस किस क्षेत्र में है,
तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं होता कि टीचर बनने के अलावा भी इसमें बहुत सारे स्कोप्स हैं। तो एक तो सबसे पहले तो टीचर ही है, क्योंकि बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री आप टीचर बनने के लिए करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं। जैसे है स्कूल टीचर्स बन सकते हैं, प्राइवेट ट्यूटर बन सकते हैं, किसी को ट्यूशन दे सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन ट्यूटर, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आप ऑनलाइन ट्यूटर बन सकते हैं और बहुत ही पैसे कमा सकते हैं उसमें भी। इसके बाद है एजुकेशन कंसल्टेंट बन सकते हैं आप बीएड करने के बाद में। देयर आफ्टर यू कैन बिकम प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल ऑफ सम गुड स्कूल्स, सेंट्रल स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, इन सब में वैकेंसीज आती हैं। मतलब इसके लिए एक्सपीरियंस मांगते हैं, बट आप एलिजिबल तभी होंगे जब आपके पास बीएड की डिग्री होगी। इसके बाद आप काउंसलर बन सकते हैं, करियर काउंसलर बन सकते हैं मेरी तरह, हालांकि मैंने बीएड नहीं किया है लेकिन मुझे कुछ एक्सपीरियंस है पढ़ाने का बहुत ही। इसके बाद कंटेंट राइटर बन सकते हैं आप। इसके बाद इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, इंस्ट्रक्टर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। इसके बाद आप बन सकते हैं एजुकेशनल रिसर्चर अगर आप आगे की पढ़ाई में जाना चाहें, जैसे मास्टर्स इन दिस एजुकेशन करना चाहें, पीएचडी करना चाहें, तो इसमें जा सकते हैं आप। और बिल्कुल किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में प्रोफेसर बन सकते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट है। इसके बाद आपके प्रिपरेशन के लिए मैं कुछ स्पेशल टिप्स लेकर आया हूँ, इसे भी देखने और इस पर जो है आपको लगन लगाने की ज़रूरत है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी स्पेशल टिप्स। प्रिपेयर टीचिंग एप्टीट्यूड वेल, टीचिंग एप्टीट्यूड जो होगा आपका अच्छा खासा मार्क्स कंटेन करेगा, और 30 क्वेश्चंस में से इसमें लगभग 10 से 15 के क्वेश्चंस आएंगे इस पर निश्चित ही। तो इसे आपको अच्छे से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है 100%, और ज़बरदस्त तरीके से प्रिपेयर करेंगे आप तभी आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड को बहुत ही अच्छे तरीके से, साथ साथ मैथमेटिक्स रीजनिंग एबिलिटी के भी क्वेश्चंस को आपने छोड़ना नहीं है, कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। पिछले 4 से 5 साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, और बाकी गाइड जो आती है मार्केट में उन्हें खरीद के आप पढ़ सकते हैं, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। पिछले 5 साल के क्वेश्चंस जो हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, मस्ट गो थ्रू लास्ट 5 ईयर्स क्वेश्चन पेपर दे, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं बता दूं कि पिछले 5 साल के क्वेश्चन से ही कुछ क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस जो हैं उसी से मैच कर जाएंगे, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन तो जरूर ही मैच करेंगे पिछले 5 साल के पेपर अगर उठाएंगे तो। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि पिछले 5 साल के पेपर को कम से कम 2 से 3 बार जरूर ही सॉल्व करें, एक एक चीज़, एक एक क्वेश्चन आप उसे सॉल्व कर जाएं बहुत ही अच्छे तरीके से अपने दिमाग लगा लगा के। देन टेक एटलीस्ट 20 मॉक टेस्ट बिफोर द फाइनल एग्जामिनेशन। मॉक टेस्ट आप समझते हैं ना, जैसे ही में से 100 क्वेश्चंस का सेट होगा आपको गाइड में मिलेगा, या फिर प्रैक्टिस सेट्स उस तरीके के आते हैं मार्केट में, तो मॉक टेस्ट जरूर लीजिए। कम से कम 20 मॉक टेस्ट लेना जरूरी है। 20 मॉक टेस्ट अगर आप देंगे तो मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूँ कि आप 100% इस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, और फिर आपके दिमाग में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, वो उसकी वैरायटी हो जाएगी, तो फिर आपका आत्मविश्वास के साथ साथ इसकी प्रिपरेशन तगड़ी होती चली जाएगी। देर आफ्टर टारगेट फॉर 230+। देखिए आपको बताया है मैंने कि 300 अंकों की परीक्षा होती है, लेकिन इसमें कट ऑफ जो है 215 से ऊपर ही जाती है, 100% 215 से ऊपर जाती है, तो आपको एम करने की ज़रूरत है, टारगेट करने की ज़रूरत है 230+, तभी आप इस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होके और एडमिशन ले सकते हैं। तो 230+ आपका टारगेट रखना होगा। इसके बाद प्रीवियस ईयर्स पेपर्स विल हेल्प यू मच, मैंने बताया है आपको, मैं बता रहा हूँ कि प्रीवियस 5 साल का पेपर आप bhu.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो आपको बनारस में ये कहीं भी ये चीज़ें मिल जाएंगी, उस पर आधारित पुस्तकें भी, तो यू कैन बाय दैट एंड प्रिपेयर जरूर कीजिएगा, उसे सॉल्व करने की कोशिश 100% कीजिएगा। इसके बाद है बी केयरफुल इन द एग्जाम्स अबाउट नेगेटिव मार्किंग। आपको मैंने पहले सचेत किया था और एक बार फिर से कर दे रहा हूँ कि नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, तो नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चंस में ऐसे ही टुक्का मत लगाने की कोशिश कीजिएगा, जिस पे आप कंफर्म हो 100% उसी क्वेश्चन को ही सिलेक्ट करेंगे, उसी क्वेश्चन को ही आप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, आप ज़्यादा सेफर साइड में रहेंगे। ऑलराइट, चलिए तो आपको मैं कुछ बुक्स बता देना चाहता हूँ। देखिए कुछ किताबें हैं, ये देखिए भाषा समूह की BHU BED, ये है प्रतियोगिता साहित्य की पब्लिकेशन की, और दूसरी है अरिहंत पब्लिकेशन की, तो ये दोनों में से कोई भी एक खरीद सकते हैं, और अगर दोनों के आप चेक कर लीजिएगा वहाँ पे, दोनों के कंटेंट में बहुत ही ज़्यादा ये है, अलग अलग है दोनों में, तो आप कृपया करके इसे क्या कर सकते हैं कि दोनों को बुक खरीद के और प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा ये पूरा का पूरा पेपर और इसका ये बुक, और फिर इसके क्वेश्चन सेट्स भी ये जरूर ही लगाइएगा, आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा।
तो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद मैक्सिमम लोगों तक जरूर ही शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया करके लाइक कीजिए, ओके। और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके इन्फॉर्मेशन संबंधित हम बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे जिसको देखकर पढ़कर सुनकर आप जरूर ही लाभान्वित होंगे और आपका करियर को सफल, सजग और बेहतरीन बनाने में हमारे वीडियोस आपके लिए हमेशा काम आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट।